उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो जी हाँ, आज 13 अगस्त है, तो आज हम इंशाल्लाह झंडे को लगाएंगे वो ऊपर टावर पर। तो मेरे साथ हसनैन भाई हैं, उनके साथ है मोहसिन भाई, और साथ भाई इधर आओ उस्मान भाई है, एक भाई है ऊपर जो गामा भाई वो स्टिक लेने गया है। तो अब हम झंडे को लेकर इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। तो जी हसनैन भाई ने झंडा ले लिया, चलो वो देखें, वो गामा भाई ऊपर चढ़ गए हैं, तो ऊपर टावर के ऊपर हमने झंडा लगाना है इंशाल्लाह। चलो जी हसनैन वो स्टैंड दे दो ताकि मैं स्टैंड के साथ वीडियो शूट करूं। नहीं वो मसला होगा। चलो फिर चलते हैं, चलते हैं। चलो 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 यार चढ़ते चलो। ओ यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा जी। अब मैं भी ऊपर चढ़ने लगा हूँ, लेकिन ये देखिए बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है, मुझे डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। तो अब हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, झंडा लगा कर वापस आएंगे, ऊपर का हम आपको व्यूज भी दिखाएंगे। और कल 14 अगस्त है, उससे पहले पहले हमने झंडा लगाना है, मेरा पेपर था इसलिए मैं लेट हो गया। तो अब 3-4 बजे का टाइम है, तो अब इंशाल्लाह हम फास्ट जल्दी करेंगे। एक है ऐसे मैं जा रहा हूँ, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। अभी मैंने आधा सफ़र किया है, लेकिन मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। नीचे का व्यूज मैं आपको दिखाता हूँ, देखें आधा सफ़र कर लिया, तो अभी आधे से ज्यादा ऊपर है, वो भी थक गए हैं। हसनैन भाई झंडा लेकर आए हैं, हम अपने वतन से बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ हसनैन भाई कितने साल से आप ये झंडा लगा रहे हैं? ये मुसलसाना बना हम तकरीबन अपने, ये हम बहुत ना कायद आजम का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी। हाँ। और मुझे इतना याद नहीं है, मगर इतना याद है कि तकरीबन 8-9 साल हो गए हमें ना मुसलसल ना ये झंडा लगाते हुए, पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए। हमें अपने वतन से बहुत ही प्यार है। तो जी मोहसिन भाई आप भी इनके साथ हैं? जी बिल्कुल, मैं भी इनके साथ, आप भी रेगुलर इनके साथ वर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इनके साथ ही होता हूँ जब भी ये काम करने लगते हैं, हम इकट्ठे झंडा लगाते हैं। तो आपको हसनैन भाई डर वगैरह नहीं लगता? ये देखिए कितनी ऊंचाई है। नहीं हैदर भाई वतन के लिए मरना भी हमें। क्या बात है, लेकिन मेरा तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। तो ये भी भाई ये देखिए देखने डर गया, ये इधर का रहने वाला है ये, लेकिन ये हसनैन और मोहसिन मेरे गांव के, बहुत ही हमारा गांव है, बहुत ही दूर ककवाल, ये सबसे एशिया का। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं इससे ज्यादा ऊंचाई पर, चलो एक एक करके चलते चलो। पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं, नारा लगाते हैं। मुझे भी डर लग रहा है, मैं इसको बांध लूं यार दिल में, जल्दी कर जल्दी। एक भाई ऊपर पहुंच गया, हमारा वो वेट कर रहा है, लेकिन हम ये हैं देश के सिपाही, चलते बनो। यहाँ अब हम दूसरी मंजिल पर आ गए हैं, ठीक है। तो व्यूज़ भी देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ये एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है, और पानी भी कल का बहुत ज़्यादा आया है। तो लो जी हम, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऊंचाई पर हम आके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो किसके जोन के टावर के ऊपर झंडा लगाया, झंडा लगाकर अब हम वापस जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लिया पाकिस्तान के लिए। आई लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हम झंडा लगाने जा रहे हैं अपने वतन के लिए। हेलो यासने है ना इसको पकड़ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ऊपर पहुंच गए हैं, तो हसनैन भाई झंडा लगाएंगे, और मोहसिन भाई भी है, एक जो है वो हमारे साथ थक गया था छोटा था इसलिए। तो हसनैन भाई झंडा लगाओ, झंडा कहाँ लगाए अब तो हमें वहाँ, ये देखे नीचे, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा यार साइड में हो, ये देखे नीचे की ऊंचाई, आराम से जाएंगे। हसनैन भाई झंडा लगाओ जल्दी से करके, मोहसिन भाई इसको साथ आके नीचे ना गिरे, वतन को बहुत प्यार है हमें, वतन को बहुत प्यार है हमें, वतन से बहुत प्यार है हमें। ये हसनैन भाई झंडा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं झंडा जिसको बोलते हैं, झंडा लगाते लगाते ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। किस चीज का? ये हम तो चलो आजाद हैं। हाँ, आजादन की मेहरबानी। हाँ, ये भी मैं बोलना चाह रहा था, वैसे कश्मीरों के लिए हमें बहुत दुख लगा, काश अल्लाह पाक इस मुहर्रम के सदके अपने हमारे हुजूर पाक के सदके ना ये काश कभी कश्मीर भी ना ये
आजाद कर दे और उनके लिए अभी दुआएं करनी, बस दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो ना कश्मीर के लिए कुछ करें, वो बहुत ही पुराने मीन्स बहुत ही जी ये इमरान भाई भी हमारे साहब अब मिल चुके हैं, ये बहुत ही लेट आए हैं, हमने इनको पहले इनवाइट किया था लेकिन ये बाद आए, बाद को आए हैं, इन्होंने देख खोलनी थी इन्होंने देख खोलनी थी, लंगर हमारे लिए लेकर आए हैं। तो अब हसनैन भाई ने झंडा लगा लिया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, ओके चलो जी। सनैन भाई किस चीज का डर लग रहा है आपको, इतनी हिम्मत लगा कर आप इस झंडे को लगाया है यार, देख के जाना। चलो इमरान भाई का भी अभी तो वो आया, पसीना देखो उसको कितना ज्यादा आया है। चल सनैन नीचे, वो करोला गाड़ी भी आ रही है, हाँ देखते हैं करोला गाड़ी को। चलो चलो लव यू करोला घट पाए चल चल मैं भी सुटना। चलो आपको अब मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देगा, इमरान इमरान हाँ नीचे चले। आज शाम को जलसा आम है इमरान भाई का, और ये हमारे साथ यहाँ पर घूम रहे। चलो जी मोहसिन भाई ये भी पकड़ लो यार, इधर लगा लो, इसके अंदर लगा लो, ये सेल्फी स्टिक ले कर आया था पिक्स इमेज करने के लिए, पिक्स कैप्चर करने के लिए। यार आराम से जाओ आराम से, ये मोहसिन भाई भी अब जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम सबकी कांपे टांगने लगे जी। हाँ झंडा अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा लिया है, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गहराई है, तो वो बिलावल भुट्टो मेरी कांपे टांग रही हैं, अब हमारे साथ भी यही कुछ शायद होने वाला है। तो जी मैं थक गया हूँ, नीचे आते आते भी वक्त लगता है, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ लाल हो गए हैं, दर्द भी हो रही है, लेकिन अभी सफ़र भी बहुत ज़्यादा है, तो अब हम नीचे जाएगा फिर जाकर पार्टी करेंगे, पार्टी करेगा ये गांव में, बोतल पिएगा। नहीं मैं बहुत चवल हूँ, देखने कितना ज़्यादा पसीना आ गया मुझे और हसनैन को। तो हम अब झंडा लगाए हैं ऊपर, वो देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर, तो ओके खुदा हाफिज़ तो हमें याद रखिए। ये टावर है जिसके ऊपर झंडा लगा कर आए हैं, वो लहरा रहा।